माता की जय, भारत माता की जय, वी वांट जस्टिस, 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 भारत माता की जय। दादी क्या कह रही हूँ, क्या चाहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देश के करदारों को गोली मारो, सालू को देश के करदारों को गोली मारो, सालू को देश के करदारों को गोली मारो, सालू को भारत माता की जय, भारत मारो, सालू को देश के करदारों को गोली मारो, सालू को देश के करदारों को गोली मारो, सालू को भारत माता की जय। इंसाफ दो, इंसाफ दो, शहीदों को इंसाफ दो, आप लोगों ने समझ लिया, इंसाफ दो, शहीदों को इंसाफ दो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंसाफ दो, 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 इंसाफ दो। तीन महीने हो गए हमें सर इंसाफ नहीं दिया, अगर अगर हम इंसाफ देते तो आज हम रोड में नहीं आते, मजबूर होके हम रोड में आए हैं। बच्चे देखो ना सर, बच्चे देखो सर, हमारे बच्चों का कसूर क्या है, कातिल गए कहाँ, पाकिस्तान वो बोल रहे थे पहले कि 80% के साल हो गया, तो पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान में चले गए, क्या हवा से आए, आसमान से आए, गए कहाँ, हमें वो रहने दे, हाँ जिस घर में रुके जिसने शेल्टर दिया हमें वो आदमी चाहिए, जिसको गाइडेंस दी गई है, हमारे बच्चों का कसूर बताए सरकार कि हमारे बच्चों का कसूर क्या था। ठीक है, मेरा बच्चा जो है माँ के दूध पीता था, बोल भी नहीं सकता था, सरकार बताए कि मेरे बच्चे का कसूर क्या है, कहाँ सोई है सरकार, ये उस बच्चे का क्लेम सर। आज इतने दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, इसको लेकर कितना गुस्सा है लोगों के अंदर,
बहुत गुस्सा है हमारे लोगों का। 3 महीने हो गए जी। बताएं आंटी जी, आज कैंडल लाइट, ये तो हमने सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इशारा दिया है, इस लाइट का इशारा है कि जल्द से जल्द हमें इन कातिल बच्चों का जो इंसाफ है मिलना चाहिए। आज 3 महीने हो गए कार्रवाई, 3 महीने हो गए हमारे घर में तो ना कोई खाना पीना कुछ भी नहीं, हम सभी बीमार पड़े हैं। हमारा ये हाल है ना कि हम कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन हमारी सरकार जो है ना वो तो ऐश कर रही है, उनको क्या है। अगर किसी मिनिस्टर के बच्चे होते ना तो 4-5 दिन में ये केस उनका सॉल्व हो जाता। ये एक गरीब माँ के बच्चे थे, लेकिन इस गरीब माँ के बच्चों का इंसाफ नहीं हुआ। सरकार मुझे ये बता दे कि किस कारण ये इंसाफ क्यों नहीं हो रहा इन बच्चों का। या तो वो सरकार हमारी इंसाफ दे रही है तो ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो हमें साफ बता दें कि हम इंसाफ बच्चों का नहीं दे सकते। सर हमारे को कोई इंसाफ नहीं मिला, हमारे बच्चों के कातिल अभी तक खुले आम घूम रहे हैं। हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सरकार का कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बच्चों का इंसाफ। हमारे बच्चों मरे हुए, किसी ने जहाँ सरपंच जी ने बोला कि हमें जल्द से जल्द फैसला मिल जाएगा, असिस्मेंट क्लियर है, चाहे असिस्मेंट गवर्नमेंट भर्ती क्लियर है, आज 3 महीने बाद फिर हम रोड पे क्यों हैं आपको सबको पता है। कल के बाद हमारा पूरा बंद होगा, कल के बाद बंद करेंगे हम, जब तक पूरा फैसला नहीं होगा हम घर नहीं जाएंगे। हेल्प प्लीज सर, हेल्प प्लीज सर, हमारे छोटे छोटे बच्चों के कातिल कहाँ के हैं, हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों का हमें इंसाफ चाहिए। प्लीज क्यों छुपा रही है? पिछले 3 महीनों से लेकर आज तक जो है, आज 3 महीने पूरे हो चुके हैं, कोई भी सुराग जो है वो एजेंसियाँ नहीं लगा पाई हैं। उसमें चाहे जितनी भी हमारी एजेंसी काम कर रही है, उसमें NIA भी है, उसमें CID भी है, CBI भी है, RA भी है, जो जितनी भी एजेंसियाँ हैं वो सारी काम कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई सुराग नहीं मिल पाया वो लोग कहाँ से आए थे। आज जो है रात को कोई भी आदमी, रात को जब उसको नींद खुलती है, 2 बजे खुलती है, किसी की 1 बजे खुलती है, 3 बजे खुलती है, तो वो सभी के सभी लोग जो हैं वो टेंशन में हैं कि वो जो लोग थे कौन से लोग थे, कैसे यहाँ पर आए और कहाँ चले गए। जो लोग हमारे चले गए वो तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम जो बाकी लोग जो पीछे हैं वो इंसीडेंट दोबारा ना हो। सेम इंसीडेंट जो हुआ था जो ढांगरी में इंसीडेंट 1 जनवरी का, उससे 35 दिन पहले जो अल्फा गेट में हुआ था, ये उसकी और ये दोनों अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तार उसकी जिसके साथ मिल रही है। उस केस का भी जो है वो अभी तक क्यों नहीं उसका कुछ हल हुआ, जबकि वहाँ पर CCTV कैमराज वहाँ लगे हुए थे, वहाँ तो इमीडिएटली जो है वहाँ की अगर फुटेज देखी जाए, फुटेज देख कर उसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ का रिजल्ट निकल जाता, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और उसके बाद यहाँ डांगरी के अंदर हुआ, आज हम घबराए हुए हैं कि वो लोग जिन्होंने इतना बड़ा हादसा यहाँ आके किया है वो दोबारा दूसरी जगह पे कहाँ पे टारगेट करेंगे, और खास करके जो हमारे लोग जो खास करके फ्रंट लाइन में खड़े हैं उन सभी को जो है वो इस समय खतरा है, वो किसी भी घर में और उन परिवारों में जाकर जो खास करके जो विक्टिम फैमिलीज हैं वो तो डरी हुई हैं, लेकिन जो हमारे लोग बाकी भी हैं वो सब सारे के सारे जो दहशत में हैं। इसमें हमारी आपके चैनलों से सीधी सीधी सी बात जो है, आज हमारी यहाँ पर कैंडल मार्च निकाली गई है, कल हमारी जो है सुबह मीटिंग होगी, उसके बाद जो डिसाइड किया जाएगा। हमारी पंचायत से ये केस जो है महापंचायत में जा रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डायरेक्टली जो है हमारे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो देख रही है, खास करके हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनसे भी यही अपील करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस केस को जो है बाहर लाएं, सामने लाएं लोगों के अंदर, जो लोग हमें ये तो पता चले कम से कम ये वारदात किसने अंजाम दी। तो अंतिम में यही आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा यहाँ की हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस केस में लाइटली मत लें, क्योंकि ये जो केस है ये आंदोलन जो बड़ा हो सकता है, और खास अभी तक जो है ये कंट्रोल में रहा है। पिछले 3 लोगों का आपने सबर देखा है कि कोई भी इंसिडेंट ढांगरी की तरह बड़े 7 लोग जो मारे गए, कोई भी एक पत्थर के जो वारदात नहीं यहाँ पे, लेकिन जो मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं ऐसा ना हो कि कल जो है जो ये जो जनता है जो उधर हो जाए और इसके ऊपर कंट्रोल ना कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।